फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसे आपको सीखना ही होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शादी वाले कुछ सेंटेंसेस जो अक्सर आपको किसी शादी में बोलना पड़ता है, जैसे बारात बाराती, सात फेरे, दूल्हा दुल्हन की जोड़ी, ससुराल ससुराल वाले, शादी की रस्में, सुहागरात, दुल्हन के कपड़े, मंगेतर, जूता चुराई की रस्म, भाभी साली, देवर देवरानी, नंदोई जीजा साला, सारू दामाद, ससुर सास और हमसफर जैसे वर्ड्स। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है वेडिंग प्रोसेशन यानी बारात। कई बार आप ऐसा सेंटेंस सुने होंगे जहां लोग कहते हैं बारात कहां है या अभी बारात कहां है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेयर इज वेडिंग प्रोसेशन राइट नाउ, यानी अभी बारात कहां है। अगर आपको कहना हो कि बाराती खाना खा रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द वेडिंग गेस्ट्स आर ईटिंग डिनर, यानी बाराती लोग खाना खा रहे हैं। फ्रेंड्स, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। अगर आपको कहना हो कि दूल्हा खूबसूरत है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द ग्रूम इज हैंडसम, यानी दूल्हा खूबसूरत है। ब्राइड यानी दुल्हन। अगर आपको कहना हो कि दुल्हन प्यारी है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द ब्राइड इज ब्यूटीफुल, यानी दुल्हन खूबसूरत है या प्यारी है। और दूल्हे दुल्हन की जोड़ी को कहते हैं ब्राइड एंड ग्रूम। जैसे अगर आपको कहना हो कि दूल्हा और दुल्हन जच रहे हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द ब्राइड एंड ग्रूम आर लुकिंग अट्रैक्टिव, यानी दूल्हा दुल्हन अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, जच रहे हैं। अगर आपको कहना हो कि तुम्हारा ससुराल कहाँ है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेयर इज योर इन-लॉज हाउस, यानी तुम्हारा ससुराल कहाँ है। फ्रेंड्स, कई बार शादियों में ये सेंटेंस आप सुने होंगे कि ससुराल वाले कहाँ हैं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेयर आर इन-लॉज, यानी ससुराल वाले कहाँ हैं। अगर आपको कहना हो कि शादी की रस्में शुरू होने वाली है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द वेडिंग सेरेमनी इज टू स्टार्ट, यानी शादी की रस्में शुरू होने वाली है। आइए फ्रेंड्स, कुछ और वर्ड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, सात फेरों को कहते हैं सेवन वूज। ब्राइडल फैमिली का मतलब होता है दुल्हन के घर वाले। ब्राइडल क्लोथ मिस होता है दुल्हन के कपड़े। फियांस का मतलब होता है मंगेतर, लेकिन ये लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात लड़कियों के लिए करें, तो उनके लिए जो वर्ड है वो है फियांसी, यानी इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है मंगेतर, पहला मेल के लिए और दूसरा फीमेल के। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जूता चुराई की रस्म को कहते हैं सू स्टीलिंग सेरेमनी, यानी जूता चुराई की रस्म। सिस्टर इन लॉ यानी भाभी, साली, देवरानी, ननद। ब्रदर इन लॉ यानी जीजा, साला, देवर, साढ़ू और नंदोई। सन इन लॉ यानी दामाद। डॉटर इन लॉ यानी बहू। फादर इन लॉ मींस ससुर। मदर इन लॉ यानी सास। फ्रेंड्स, स्पाउजर या लाइफ पार्टनर का मतलब होता है जीवन साथी या हम सफर, यानी जो पूरे लाइफ के साथ चले, उसे हम स्पाउजर या लाइफ पार्टनर कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, लास्ट वर्ड देखते हैं। नुपसियल नाइट का मतलब होता है सुहागरात, यानी शादी की पहली रात। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये सभी वर्ड्स आपके बड़े काम के होंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको ये वर्ड्स पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।